छोटा देख देख रहा, आरामी आरामी है एकदम। तो अभी 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 लगा था दोनों ने उसको वैसे छेड़ के, अब जाके थे नई नई टोपी लगी भाई, नई नई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज है मंडे और मैं सो के उठ चुका हूँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसे है, पीछे हमारा जो पेड़ है, घर है उसके पीछे पेड़ है, उसमें पानी पानी रुक रहा है, इतनी गटर वगैरह ब्लॉक है। तो उसके लिए कंप्लेंट लिखवाने जा रहा हूँ मैं। अभी सुबह सुबह उठ के देखा, मैंने कहा यार ये तो फिर हो गया। तो जहाँ पे एक बार पहले गया था वहीं जा रहे हैं, चलो चलते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए। ये आ गई अपनी बुलेट, पहले इसका लॉक खोलते हैं। जहाँ से लोग खुल गया चलते पहले। तो अभी का सीन ऐसा है कि बुलेट नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो अभी देखता हूँ कैसे जाऊँगा। मेरी बाइक तो पहले ख़राब पड़ी है और बुलेट भी नहीं चल रहा है, तो अभी देखते हैं वापस चलता हूँ फिर देखता हूँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी 12 बज चुके हैं, मैं बाहर गया था अभी और कहीं अभी जाने का मन नहीं है। शाम को देखेंगे, बहुत तगड़ी धूप हो रही है। तो अभी कुछ रोटी रोटी खाने का कुछ भी मन नहीं है, मतलब ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है। तो अभी मैं कुछ बना रहा हूँ अपने लिए। ये है आलू, आलू के छोटे छोटे चिप्स होते हैं वो बना रहा हूँ। वो बनाते हैं मतलब ना खतरनाक, नमक मिर्च अमचूर वगैरह डाल के ना खतरनाक लगते हैं। आपको दिखाता हूँ आज कैसे बनाते हैं। ये लिए हमने आलू, बड़े बड़े से आलू ले लिए, इसको हम कहते हैं पटैटो। अब ले गए हमने चाकू, चाकू 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 चाकू। ये रहा हमारा चाकू, चलो कर दिया मटर। वो अभी आलू को छील लेते हैं, सबसे पहले आलू छीलेंगे क्योंकि खाने के लिए पहले बनाना भी पड़ता है, बनाने के लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए तो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आलू छीलते हैं पहले। हमारे आलू है ऐसे करके इसको हम छील गए। तो अपने आलू छील चुके हैं, इसको फटाफट से ना काटते हैं, बारीक 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 काटते हैं। तो उसके बाद हम इसको धो के फ्राई करते हैं। तो अभी इसको तो काट लिया है एकदम, मतलब ना कम से कम 100 टुकड़े कर चुका हूँ मैं, 100 टुकड़े कर लिए, 100 चिप्स बनेंगे तकड़े वाले। ऐसे करके इसे थोड़ा सा बाकी ख़तरनाक हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। फिर नमक मिर्च लगा के इसे फ्राई करेंगे। अभी धो लेते पहले। ये ला तेल है ना सरसों का? नहीं नहीं ये कौन सा है? दूसरा सरसों का किधर है? अच्छा ये वाला। मम्मी इस पर लिखा हुआ ये बोला देखो सर, दिखा मस्टर्ड घनी ऑयल कौन सा? हाँ ये डाल देता ना। मम्मी ज्यादा धुआं मारेगा के? सरसों का क्यों डालता फिर? निकलने लग गया धुआं, पीछे लगा दो दरवाजा, मैं खोल दू। निकलने लग गया धुआं, बहुत तेज लग रहा आंखों में डाल था दिए तो। ओए हाँ आए, एकदम से वो डाले ना उसके अंदर आलू, तेल से एकदम ऐसा मतलब ना अजीब अजीब सा हो गया, आंखों में जलने वाला हो गया भाई साहब। ठीक है मतलब ना, ये सीढ़ी पीछे वाइट वॉश चल रहा है ना, तो उसके लिए सीढ़ी लगी हुई, हमारा पीछे वाला बेड़ा ही थोड़ा यहाँ पे ना बंद ही रहता है वाला। तो अभी खोला इसको, उसके धुआं निकल रहा था ना आँखों में जाने के लिए, आँखों में जा रहा था तो उसके लिए बाहर को आया तो थोड़ा ठीक हो गया था, जाके देख। 2 घंटे मेहनत करने के बाद बना है हमारा एकदम चिल्ली चिल्ली सा, इसमें म्यूनिस म्यूनिस सॉस में म्यूनिस है और सॉस है। इसे खाते हैं अभी, मज़ा आएगा बड़ा भाई। एकदम स्पाइसी कर रखा है, एकदम स्पाइसी, तीखा, एकदम खतरनाक लग रहा है, खतरनाक लग रहा है एकदम, खतरनाक म्यूनिस डाल के खतरनाक। मम्मी इसमें ना ज़्यादा मिर्ची डाल दी थी मैंने, मैंने क्या रोटी ली म्यूनिस वगैरह सॉस वगैरह डाल के ऐसे बना लिया इसको बंडल था। अब सही लग रहा है ज़्यादा। कैसा गला है? हाँ। भारी है? ये सही लग रहा है। सफाई सफाई करा लो ना, पैसे दे दिए मैंने उसको। कितने दिए? दे दिए। कितने दिए? 4 रुपए। तो अभी का सीन ऐसा है, अभी मैं भी आया हूँ मैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए,
हमसे मिलने कौन आया है? तिवारी सेठ, क्योंकि तिवारी सेठ जा रहा है गोवा। कहाँ जा रहा? गोवा जा रहा, गोवा, ठीक है ना। तो उसके लिए तिवारी भाई थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग करके आया है। मैंने कहा मेरे को दिखाया जा रहा, हम भी तो लगा के देखे जा रहा चश्मा, हम कैसे लगते चश्मे में। तिवारी ठीक आ रहा है? तू नहीं देना चाहता इसलिए कह रहा छोटा, देख देख रहा आरामी आरामी है एकदम। तो अभी तिवारी को मैंने एक छोटे वाला बैग देना है, तो वो मम्मी ने पता नहीं कहाँ रख दिया है। तो वो मम्मी से भी, मम्मी कीर्तन में गए हैं, तो मम्मी आएंगे तो इसको वाला बैग देना, वो है नहीं वाला फॉरनर वाला बैग जो मैंने ले रखा है, वो वाला बैग देना तिवारी को। तिवारी बैठ, बैठ एंड पूछ। अरे नहीं समझा कर उसे, मम्मी कीर्तन में बैठे, मम्मी से पूछ लेता हूँ। आजा भाई छोड़ना, इसे कहाँ लेके जा रहा है एक्टिवा को, आजा। वो तो ये तो रहा, ये हो रहा है। हाँ मम्मी फ़ोन तो लेके नहीं गए, तो वहीं जगह कीर्तन में जाके पता करना पड़ेगा। ये कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा इन गानों से? कीर्तन में जो गाने चल रहे कॉपीराइट आ जाएगा पता। तो छोटा कितना लग रहा है मेरे से भाई? पीछे चल रहा भाई, पीछे वैसे भी छोटा ही है तो। और यहाँ तो पूरा डांस हो रहा है। अरे आंटियाँ बैठी अंदर, में चले जाता पक्का। आंटी हो गया तो निछेड़ो। छत्तीस का आंकड़ा है भाई। अरे रहने देना, बहुत सारी आंटी है अंदर। अब आंटिया नाच रही है अंदर। चला अब मैं फोन करता हूँ मम्मी को। आजा अभी तब बोल रहा था फिर। तो अंदर ना, इधर बहुत सारी आंटिया है अंदर, तो मेरे को जाने में ना सारा मारी है। तिवारी को बैग चाहिए बोला, तभी तिवारी आते भटक रहा, नहीं तिवारी इतना भटकता नहीं है। अंदर देखो डांस चल रहा पूरा। आकाश पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसको जाना है कहीं। तो कल सुबह ले लियो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे को भाई, सुबह ले लियो बस। अरे सुबह ले लियो, मैं तो वो देने आ जाऊँगा सुबह। वहाँ कीर्तन चल रहा है, मम्मी उसमें, मम्मी ने रखा बैग भाई, कल सुबह ले जियो। अरे बोल के आ, अरे कोई बच्चा बच्चा भी होता ना, गेट तक जा दिख जाएंगे तो इशारे से बुला लियो। अभी अंदर बहुत सारी आंटियाँ हैं यार। तो क्या हुआ? अरे नहीं यार, समझा कर। अरे गेट पे खड़ा होना जाके, अगर दिख जाएंगे तो बुला लियो, नहीं दिखेंगे तो वापस आ जियो। अरे नहीं ऐसे मेरे को देखने से शर्म आएगी यार। कहाँ गया बैग? अबे यार कपड़े यार तो मिला ही नहीं रहा, ये कपड़े टूट गए पहले अंदर। तिवारी सेठ मिल गया, ये बंद कैसे होएगा? फाइनली बैग मिला तिवारी का, तिवारी को देने के लिए। ये वाला चाहिए तिवारी को, साइड वाला एकदम ना। ले भाई तिवारी भाई को बैग दे दिया। हाँ भाई होगी तसल्ली, हूँ होगी तसल्ली, होगी तसल्ली। अरे वो तो हो जाएगा सही, भाई को बैग मिला। फाइनली आई गॉट इट। तिवारी को मिल चुका फ्रंट लाइन भाई साहब, पूरा गोवा जा रहा है भाई साहब। बिना बैग और बिना फ्रंट लाइन के गोवा नहीं जाएगा तिवारी है। चल तिवारी आ जा गोवा से, फिर मिलते हैं, फिर हम भी चलेंगे ना दोबारा। चल ठीक है ओके। मतलब पड़े तो नहीं पैसे, वैसे तो नहीं पड़े बैग में? पड़े होंगे ना, देख लियो अपने, अभी हिसाब किताब कर लियो। ओके को तो भेज दिया, बैग मिला बड़ी मुश्किल से, मिल नहीं रहा था बैग। चलो बढ़िया है मिल गया, 15-20 मिनट बैग ढूंढा तब जाके मिला बैग। सारे कपड़े फरोल दिए इधर से उधर, उधर से इधर। मेरे पास आया ये भाई ने पहले बताया हमें। तो अभी हो चुका है चाय का टाइम, आई चाय, ये रही हमारी चाय का टाइम हो चुका है। अभी शाम के टाइम, रात के टाइम चाय पी रही है मैं और मम्मी जी। रात हो चुकी है ज्यादा,
सोने का टाइम हो चुका है। अब मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, गुड नाइट।